माई स्वीट फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी मिर्चों का सालन बनाएंगे। बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि आप मिर्चों के सालन पे वीडियो बताएं। चले जी, देखते हैं मिर्चों का सालन कैसे बनता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, उससे आपको मेरी हर नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए जी, अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 200 ग्राम मैंने हरी मिर्च ली है। पचास ग्राम मैंने खोपरा पाउडर लिया है। 50 ग्राम मैंने तिल लिए। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लिए, इसको बारीक काट लिए। 50 ग्राम मैंने इमली लिए, इसको भिगा दिए। थोड़ा सा कड़ी पत्ता लेंगे। 25 ग्राम मैंने मूंगफली लिए। 25 ग्राम मैंने कुटावा धनिया पाउडर लिया है। 25 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 प्याली में धनिया लिया है, बारीक काट लिया है इसको। ये मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं, 1 टेबल स्पून ले लें आप कड़ी पत्ता। और ये मैंने 2 चुटकी मेथी दाना लिया है। और ये 1/2 स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। वन टेबल स्पून सॉल्ट लिया है। 1/2 टी स्पून मैंने हल्दी ली है। 1/2 टी स्पून अब हम हरी मिर्चों को ना बीच में से कट कर लेंगे। इसके बीच निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी हरी मिर्चों के ना बीच निकाल लेंगे। बीच में से कट लगा के सारी हरी मिर्चों के हम बीच निकाल लेंगे। चलें जी, अब हम मसाले रोस्ट कर लेंगे। मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। ठीक है, हमारा फ्राई पैन गरम हो गया है और मैंने चूल्हा मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखेंगे, हमारे मसाले जल जाएंगे। सबसे पहले धनिया पाउडर रोस्ट कर लेते हैं। देखें, आप इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1-2 मिनट तक इसे रोस्ट कर लेंगे। मैंने चूल्हा मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करेंगे, इससे क्या होता है मसाले में कड़वाहट आ जाती है। बस जल्दी से निकाल लेंगे 1-2 मिनट रोस्ट करके। अब इसमें हम तिल शामिल करेंगे, इसे भी रोस्ट कर लेंगे। इसका जब पिंक कलर आ जाए ना, हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, हल्के से पिंक होना शुरू हो गई है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए, अब इसमें हम खोपरा पाउडर डालेंगे। इसको भी हल्का सा पिंक होने लगे तो इसको हम निकाल लेंगे जल्दी से। देखिए, हल्का सा ये पिंक होने लग गया है। 1 मिनट हो गया है हमारा, अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए, आप पीनट्स को रोस्ट कर लेंगे। इसको भी 1-2 मिनट तक रोस्ट करेंगे, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। 1-2 मिनट रोस्ट करते हैं, हम इसको निकाल लेंगे। देखिए, हमने जिन मसालों को रोस्ट कराए उसको हम ग्राइंडर में पीस लेंगे।
देखिए ये मसालों को हमने जो रोस्ट करा था अब उसको ग्राइंड कर लेंगे सारे मसालों को। इसी तरह हम सारे मसाले ग्राइंड कर लेंगे। देखिए अब हम सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने फ्राई पैन गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हाफ कप मैं ऑयल डालूंगी। अब इसमें दो मीडियम साइज़ की प्याज डालूंगी जो मैंने काट के रखी थी। अब इसको अच्छे से पिंक कलर की फ्राई कर लेंगे। इसको हाफ फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। देखिए प्याज हमारी पिंक होना शुरू हो गई है, इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब इसको हम निकाल लेते हैं। हमने प्याज फ्राई करके निकाल लिया। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल है, अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देते हैं। अब हरी मिर्चों को हम 5 मिनट तक के फ्राई कर लेंगे। मैंने चूल्हा मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। अब इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ, 1/2 टीस्पून से भी कम थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए 5 मिनट तक के मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने 5 मिनट तक के हरी मिर्चों को फ्राई करके निकाल लिए। देखिए अब जग में हम सारे मसाले शामिल कर लेंगे जो हमने रोस्ट करके रखे थे, जिसको हमने ग्राइंड कर लिया था। ये हमने धनिया ज़ीरा पाउडर शामिल कर लिया है, हमने तिल और खोपरा पाउडर शामिल कर लिया है, हमने मूँगफली का पाउडर शामिल कर लिया है, और ये हमने हल्दी और सॉल्ट ये शामिल कर लिया है। 2 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इसमें हमने जो प्याज फ्राई करके रखी थी हाफ फ्राई, वो हमने इसमें शामिल कर लिया। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे सारे मसालों को, और 1 गिलास पानी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैंने सारे मसाले जग में डाल के पीस लिए थे, इसको मैंने प्याली में निकाल लिया है और मैंने चूल्हा मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। अब इसमें हम 1 कप ऑयल डालेंगे, 1 कप भर के ऑयल डालेंगे। इसमें ऑयल थोड़ा अच्छा होना पड़ता है ताकि सालन का अच्छा सा कलर आए। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। तेल हमारा गरम हो रहा है। अब इसमें हम ये 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून मेथी दाना शामिल करेंगे और थोड़े से कड़ी पत्ता शामिल करेंगे। इसको हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा। इसको हम 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद सारे मसाले शामिल करेंगे। देखिए मेथी दाना कड़ी पत्ता ज़ीरा का कलर चेंज होने लग गया। अब मैंने जो मसाले ग्राइंड करके रखे थे उसमें वो शामिल कर लेंगे। अब इसको 2-3 मिनट तक के अच्छे से हम भून लेंगे। मैंने चूल्हा मीडियम लो पे रखा हुआ है। देखें 2-3 मिनट हो गए, हमारे मसालों में से अच्छी सी खुशबू आ रही है। मैंने इसको 2-3 मिनट तक के अच्छे से भून लिया। अब मैंने जो इमली भिगा के रखी थी, इमली की खटाई इसमें शामिल कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें इमली की खटाई शामिल कर ली है। उसको अच्छे से भून लेंगे।
अब इसमें मैं हाफ ग्लास पानी ऐड करूँगी। और आप सॉल्ट चेक कर लेना, अगर आपको थोड़ा कम लगे अपने टेस्ट के लिहाज से आप डाल सकते हैं। अब मैं इसको 5 मिनट तक के पकने के लिए रख दूँगी। 5 मिनट तक के हम मसाले को पकाएंगे। देखिए हमारा मसाला पक रहा है। अब इसमें हम कड़ी पत्ता शामिल कर लेंगे। कड़ी पत्ता मैंने धो के खुश करके रख लिया था, क्योंकि कड़ी पत्ता हर वक्त दस्तयाब नहीं होता। देखिए आप, इसमें मैं हरी मिर्च शामिल कर लूँगी। देखिए आप, इसमें मैंने हरी मिर्च शामिल कर ली है। अब इसमें मैंने जो धनिया काट के रखा था, एक प्याली धनिया शामिल कर लिया है। अब इसको मैं 5 मिनट तक के लो फ्लेम पे ढाप के रख दूंगी। देखिए 5 मिनट हो गए, हमने 5 मिनट तक के ढाप के रख दिया था। देखिए सालन इतना गाढ़ा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना बहुत गाढ़ा। देखिए हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। देखिए हमारा मज़ेदार सा हैदराबादी मिर्चों का सालन तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हैदराबादियों की बहुत ही ज़बरदस्त डिश है, इसको सभी पसंद करते हैं। आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आप लोग ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। उससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।